भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब लोगों को अपने स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, लोग स्वार्थी हो गए हैं अभी के समय में। उन्हें दूसरों के दुख दूसरों की ज़रूरत से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। मतलब किसी के साथ गलत होता है तब हम क्या करते हैं, उस पर बहुत खुश होते हैं और बढ़ चढ़ कर लोगों को बताते हैं, तो ऐसा करना बहुत गलत बात होती है। वहीं अगर आपके साथ कुछ अच्छा किया गया है किसी के द्वारा और आपने उससे आनंद प्राप्त किया है तो भी आप दूसरों को नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि अगर बताओगे तो लोगों को उसकी अच्छाई पता चलेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत बुरी बात है। दूसरों की गलतियों को आप बड़ा चढ़ा कर बताते हो ये गलत बात है, उसकी जगह आप उसकी अच्छाई को अच्छे से बताओ सबको, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दूसरों में कमियां निकालना क्या है, बुरी बात है। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला,
यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी भी अच्छे लोग विद्यमान है। अच्छाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ कि वो दब गई है चारों तरफ से, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी अच्छाई ईमानदारी बाकी है। जैसे उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिए, तो वो जो रेलवे स्टेशन पर जो बाबू था टिकट लेने वाला, वो खुद आया था रेल डब्बे में और उनको पहचान कर उनके 90 रुपये लौटाए थे। तो बहुत सारी गलत बातें सुनी होगी, लेकिन यह सुनकर कितना अच्छा लग रहा है कि एक आदमी जो है वो 90 रुपये लौटाने के लिए भी आ गया। वैसे तो लोग 90,000,00,000 रुपये लेने में भी नहीं शर्माते हैं, किसी का मिल जाए तो रख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 रुपये, 5 रुपये, यहाँ तक कि 1 रुपया भी किसी का नहीं रखते, वापस लौटा देते हैं कैसे भी करके। तो वैसे ही लेखक ने बताया कि उनके साथ ऐसी एक घटना भी हुई है कि एक बार वो बस से यात्रा कर रहे थे और बस जो थी वो गड़बड़ चल रही थी, तो वो रात के 10 बजे एक सुनसान इलाके में जाकर रुक जाती है, जो कि उनके जहाँ पर पहुँचना था उस स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और जो कंडक्टर होता है वो झटपट से उतरकर साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो लोगों को यह संदेह होता है कि उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, ड्राइवर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो देखिए, किसी के बारे में भी गलत सोच बनाना बहुत आसान है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। वैसा ही इनके साथ हुआ, सभी लोगों के साथ। कंडक्टर भाग गया तो उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया, वो तो ठीक है, लेखक की वजह से उसकी मारपीट नहीं हुई।
अगर हो जाती फिर वो लोग क्या करते, उनका किया हुआ वापस तो नहीं लिया जा सकता। अगर उस ड्राइवर की मारपीट हो जाती तो फिर वो ड्राइवर सही थोड़ी हो जाता। अगर वो लोग उसे मार भी देते तो वापस उसे ज़िंदगी थोड़ी दे सकते। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और किसी को भी गलत समझने से पहले उसके बारे में हर बात पता कर लेनी चाहिए। तो वैसे ही हुआ, वो कंडक्टर खाली बस लेके आया और तो और उन पंडित जी के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेके आया। उसने कितनी इंसानियत दिखाई लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो जो लोग उसके बारे में सोच रहे थे तो उनकी सोच गलत निकली, फिर उन लोगों को पछताना पड़ा। तो इसीलिए ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है और जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो लेखक कहता है कि समाज में वर्तमान वातावरण को देखा जाए तो यह शंका होती है मन में कि क्या यह सुधर पाएगा। चारों ओर धोखा है, भ्रष्टाचार है और ऐसी कई घटनाएं होती है जो मानवता को भी शर्मसार कर देती है। तो लेखक कहता है कि अगर ऐसी बातें हैं तो अच्छी बातें भी हैं, कई ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता। कि जहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी कारण के दूसरों की सहायता कर देते हैं और उन्हें निराशा से बाहर निकालते हैं, उनके हृदय को ढांढस बंधाते हैं, मतलब उनको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसा साहस दिखाते हैं, अच्छा परिणाम दिखाते हैं। तो लेखक कहता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी कविता प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर मुझे सिर्फ नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भगवान आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं आप पर कभी भी शक ना करूं, मुझे कभी भी आपके ऊपर शक नहीं हो, मुझे आपके न्याय में हमेशा विश्वास रहे कि आज अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो आगे चलकर सही भी तो होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत ही हो। इसीलिए बोलते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने मन में आशा की किरण बनाए रखनी चाहिए। मनुष्य की बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो गलत नतीजे तक पहुंच रही है, लेकिन इन्हें हम बदल सकते हैं और हम बदलेंगे भी। हमें हमारे मन में एक आशा रखनी है जो महान भारतवर्ष को बनाए रखने में हमारी मदद करेगी। इसीलिए निराशा को दूर रखो और आशा को अपने मन में जगह दो। तो ये लेखक की कविता है। तो आप लोग भी पाठ को पढ़कर आप लोगों के मन में भी कुछ विचार आए होंगे। आप लोग भी बड़े होकर हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना, भ्रष्टाचार, धोखा देना, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना। आपको यही सीख मिलती है, आप किसी भी पोस्ट पर हो चाहे कुछ भी हो, आपको इन गलत चीज़ों से दूर रहना है और हमेशा दूसरे लोगों की मदद करनी है। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न।